एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नागौद विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन करने पहुंचे नागेंद्र सिंह से जब मीडिया कर्मियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी पार्टी से टिकट नहीं मांगा है, हमेशा पार्टी ने ही मुझे टिकट दिया है। हमारे यहाँ पर मुद्दे तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, जनरल विकास का मुद्दा है। प्रदेश को विकास की आवश्यकता है और अभी बहुत कुछ करना शेष है। जो काम हमने प्रारंभ कर दिया है उसे पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अधोसंरचना का विकास, जब तक अधोसंरचना का विकास नहीं होगा तो हमारा क्षेत्र, हमारे क्षेत्र की जनता समृद्धशाली नहीं होगी, उनको समृद्धशाली बनाना है। टिकट का बड़ा विरोध हो रहा है, तमाम लोग सभाएं कर रहे हैं और उनका कहना है कि आपने पहले खुद का चुनाव नहीं लड़े, जब दोबारा मैदान में उतर गए। यार, मैंने कभी जीवन में टिकट मांगी नहीं है, पार्टी ने हमेशा टिकट दिया है मेरे को। अभी भी मैंने टिकट मांगी नहीं है, पार्टी ने उचित समझा है देने के लिए। उन्होंने क्यों उचित समझा उनसे पूछिए, मुझे नहीं उसका देना था। इसका क्या इम्पैक्ट होगा जो अभी विरोध की स्थितियाँ सामने आ रही? देखिए, कुछ न कुछ तो इम्पोर्टेंट सब चीज़ का होता है। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा मुझे भी नहीं मालूम है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनसे समर्थन मांग रहा हूँ और 8 बार जा चुका हूँ, 7 बार जीत चुका हूँ। मैं वही पद्धति अपनाऊँगा इस चुनाव में भी। चुनौती किसे मानते हैं? चुनाव जितने प्रत्याशी सब चुनौती मेरे लिए। आपको बता दें कि नागेंद्र सिंह कभी रियासत रही नागौद स्टेट घराने से ताल्लुक रखते हैं। 7 बार नागौद विधानसभा के विधायक रहे तो 2014 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सांसद भी रहे हैं। 81 साल के नागेंद्र सिंह पर बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। माना जा रहा था कि 81 साल उम्र होने की वजह से नागेंद्र सिंह का टिकट कट जाएगा, लेकिन पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, एमपी तक।